नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, नारी पुरुष दोनों से ही घर चलता है, दोनों एक गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर एक भी पहिया खराब हो तो दोस्तों उसका जीवन गृहस्थ सुखमय नहीं होता, और बिना सुख के जीवन अशुभ दुख से भरा और नाना प्रकार के क्लेशों से युक्त रहता है। इसलिए पुरुष तो बाहर का कार्य करते हैं, चाणक्य नीति के अनुसार अगर महिलाएं इन कार्यों को करती हैं तो उनके घर में कभी बरकत नहीं होती है। आचार्य चाणक्य के द्वारा लिखी नीति शास्त्र मनुष्य के जीवन के लिए अनमोल खजाना है। तो आइए जानते हैं, चाणक्य कहते हैं कि शिक्षा परिवार और समाज में बहुत बड़ा बदलाव लाता है। अगर कोई शिक्षित बुद्धिमान महिला है तो वह परिवार और समाज का निर्माण करती है। अशिक्षित महिला परिवार को बर्बाद कर सकती है। शिक्षा का मतलब है उसे विनम्र होना और उसे सहज होना, सोच समझ कर खर्च करना। आचार्य चाणक्य कहते हैं, पुरुष हो या महिला, लालच की भावना आते ही उसमें तमाम अवगुण आ जाते हैं, घर की शांति भंग हो जाती है। अहंकार, अगर अहंकार आपके घर में है नारी पुरुष में, तो लक्ष्मी और सरस्वती दोनों ही चली जाएंगी। इसलिए अहंकार का त्याग करें, एक दूसरे के प्रति समर्पण रहें तथा किसी भी नारी पुरुष को एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना चाहिए, ना धोखा देना चाहिए। इससे अगर पता चलता है तो सदैव लड़ाई झगड़ा बना रहता है, पूरा परिवार ही बर्बाद हो जाता है। तो इन कार्यों से जरूर बचें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।